हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आज राम टेकरी पर और सामने आप देख रहे हैं श्री मनसापूर्ण हनुमान जी। तो आज आपको मैं दिखाऊंगा श्री राम टेकरी हनुमान जी महाराज का जो दिव्य भव्य मंदिर है, और सामने ही गुरुदेव भगवान के प्रवचन चल रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में। इस मंदिर में ये रामायण जी पाठ देख सकते हो आप दोस्तों। दक्षिण भारत में सुनामी के समय पूरा सुरक्षित रहा, जबकि आसपास का क्षेत्र काफी कुछ नष्ट भ्रष्ट हुआ। देख सकते हो दोस्तों, ईसाई लोग भगवान की प्रवचन चल जो इस प्रकार की भारतीय देवी देवताओं की पूजा का निषेध करते रहे, उन लोगों को लगा कि नहीं, कि देवी ने, भगवती ने पूरे गांव को बचा दिया, तो वो लोग भी वहां जाके प्रार्थना करें। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के जब प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलते हैं, आपको मालूम होगा नहीं कि भागे तुरंत उमा राम सुहाव जे जाना, ताई भजन तज भावना आना, ये संवाद जातु रावा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। रामचरित मानस में नहीं सही तो दोस्तों, मैं आज हमारे गुरुदेव से मिला रहा हूँ। हमारे जो टीचर रहे हैं, जब मैं इंटर में था तो इनने हमें पढ़ाया है, और आज उन्हीं सब की कृपा से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि उनके सामने होके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे सर श्री प्रदीप रघुवंत सिंह, ये हायर सेकेंडरी में टीचर है मीनागंज में, और इन्होंने भी अपनी शिक्षा में काफ़ी योगदान दिया है, और आज वहाँ के अलावा राम टेकरी पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं स्कूल में बराबर। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा सर। थोड़ा सा श्री राम रामस्वरूप की भावनाएँ इतनी अच्छी है, इसलिए उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। यहाँ सब रामटेकरी बड़ा पवित्र धाम है, गुरुदेव भगवान की तपोस्थली है। यहाँ जो भी मानव सेवा के जो कार्य हो रहे हैं, वो गुरुदेव की कृपा से ही सब चल रहे हैं, और उसमें गुरुदेव ने की कृपा से सब लोग निमित्त बने हुए हैं। राम स्वरूप है, हम हैं, प्रदीप भाई है, गौरव भाई है, लेकिन सब गुरुदेव की कृपा से यहाँ सब कार्य हो रहे हैं। उच्च शिक्षा, उच्च संस्कार के साथ स्कूल संचालित है। गरीब बच्चों के लिए हमारे SC ST के बच्चे भी हैं, हमारे आदिवासी बच्चे भी हैं, हमारे गाँव के उनके लिए एक हॉस्टल संचालित है। और जो आज की तारीख में जो वर्तमान में ऐसा परिवेश है कि नेचर एलोपैथी दवाइयों से व्यक्ति इलाज कराता है बीमार होने के बाद, लेकिन उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं, उसके लिए गुरुदेव ने नेचुरोपैथी भी यहाँ शुरुआत करी है। और नेचुरोपैथी का लाभ यहाँ पर US से भी लोग आते हैं, UK से भी लोग आते हैं, अदर स्टेट महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, हमारे मध्य प्रदेश के भी लोग आते हैं, हमारे स्थानीय लोग भी आते हैं, और वो नेचुरोपैथी के द्वारा, पंचकर्म के द्वारा, बिना मेडिसिन के वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अच्छी जीवन शैली यहाँ सीख के जाते हैं और जीते हैं। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगा, बड़ा पवित्र धाम है, हनुमान जी महाराज जी विराजमान हैं, आए दर्शन करें। प्राकृतिक वातावरण है, इतना सुंदर वातावरण, इतना अच्छा मनोरम दृश्य हमारे आसपास मध्य प्रदेश में भी कहीं ही होगा। यहाँ आएँ और हनुमान जी महाराज जी के पाक अनुभव करें, विद्यालय के सेवा से जुड़ें, नेचुरोपैथी की सेवा से जुड़ें, लोगों को बताएं। शीरा, ओके सर, थैंक यू। जैसा कि दोस्तों आपने सुना होगा, सर ने इतना कुछ बताया राम टेकरी के बारे में, और मैं पहले भी कई वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें राम टेकरी का पूरा जो आश्रम है, स्कूल है, यहाँ पर जो व्यवस्था है, वो सब मैंने दिखाई है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए।
और दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करिए। थैंक यू। और क्या सर, ये हमारे राम जी प्रदीप कुमार जी जो निरंतर सेवाएं देते रहते हैं गुरुदेव भगवान जब भी आते हैं। हेलो गाइस, ये गोपाल ठेकेदार भगवान के दर्शन करने आए थे अभी। ये गांव के भक्त हैं जो गुरुदेव जब भी पधारते हैं अपनी सेवाएं देते रहते हैं निरंतर। आपको, आपने इनको कई बार फेसबुक व्हाट्सएप अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा भी होगा और अभी भी इनका चैनल चल रहा है रनिंग में।